الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صحابہ دنگے میں سنامن سوابے سنامن سواب صحابہ دنگ میں سنامن سواب صحابہ دنگ میں سنامن سواب غلام
सहाबा सदावण सवाबे गुलामे सहाबा सदावण सवाबे मोहम्मद दियारा दी जुतियां दे थल्ले आका दियारा दी जुतियां दे थल्ले मदनी दियारा दी जुतियां दे थल्ले ए अखियां ए पलकां विछावण सवाबे सवाबे सहाबा दे नगमे सुनावण सवाबे सहाबा दी इज्जत रे नाम उस खातिर उलमा बैठे ने बड़ी वड्डी गल कर लगा सहाबा दी इज्जत रे नाम उस खातिर सहाबा दी इज्जत नाम उस खातिर ए महफिल जलसे करावण सवाबे सहाबा दी नगमे सुनावण सवाबे कई बंदे कहिंदे ने कोई बंदा सहाबा दे बारे गल करदा है कोई गल नहीं चुप कर जो मैं उन्हां नूं मशवरा देना चाहना शरीयत दे अंदर नहीं चुप दा रोज़ा शरीयत दे अंदर नहीं चुप दा रोज़ा सहाबा दे नारे लगावण सवाबे शरीयत दे अंदर नहीं चुप दा रोज़ा शरीयत दे अंदर नहीं चुप दा रोज़ा सहाबा दे नारे लगावण सवाबे वडामे सहाबा एक बारी मिल के पढ़ो ना गुलामे सहाबा सदावण गुलामे सहाबा सदावण सवाबे सहाबा दे नगमे सुनावण सवाबे مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانوں اپنے گھر مسجد دے اندر عظمت صحابہ دفاع صحابہ عظمت اہل بیت و دفاع اہل بیت دے سلسلے دے اندر 11 محرم الحرام 1445 ہجری 2023
इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस मालिक ने जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला साडा सारियां दा मिल बैठना इस कॉन्फ्रेंस की पूरी इंतजामिया अहबाबे जमात मस्जिद की इंतजामिया मस्जिद के इमाम खतीब नमाजी जमाती अहबाब अमरकी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के कायदीन बिलखसूस मोहतरम जनाब प्रोफेसर सईद अहमद चरियोटी साहब हफ़िज़हुल्लाह इन्हां दे रुफ़का पूरी टीम मुबारकबाद की हकदार है कि जिन्ना इस पुरफितन दौर के अंदर इस अजीम बज़म का एहतमाम जारी और सारी रखा हो कि जिस दौर के अंदर इतने और बड़े ज्यादा फितने ने एक ये भी फितने कि जड़ा मर्जी उठ के सहाफा के बारे अपनी जुबाना दराज कर दे लेकिन एक बात ज़ेहन नशीन कर लेना जिस तरह हजरत प्रोफेसर चरियोटी साहब फरमा रहे सन और वली कामल शेखुल हदीस हजरत हाफिज मसूद आलम साहब हाफिज़हुल्लाह फरमा रहे सन साड़ी जिम्मेदारी है फितने सर उठाते रहते हैं इंशाला कोई खत्मे नबूबत के मामले के अंदर फितना उठे कोई हुरमत कुरान के मामले के अंदर फितना उठे कोई नबी पाक के सहाबा के बारे फितना उठे इंशाला इन्हों फितनिया पैरों के थले रौंद के रख देना खत्मे नबूबत का झंडा इंशाला लहरा के रखना कुरान की हुरमत का झंडा लहरा के रखना इंशाला सहाबा की अजमत का झंडा इंशाला लहरा के रखना तैयार होना इंशाला आइए हैरान बस करो यार तकरीर करते तो जो करना हैरान आइए मैं कुरान पाक की सूरह अनफाल की आयत नंबर 74 सैकंड लास्ट आया मुबारक तुसा बाप के सामने तिलावत करन की शहादत हासिल की मेरे दाएं और बाएं माशाल्लाह इतने क मेहमान बैठे ने कि मैं इन्हां सारिआं दा नाम लेना शुरू करा मेरा टाइम मुक जाना है ये सारे मेहमान खुसूसी ने अल्लाह सारिआं दीआं जिंदगियां दराज फरमाए अल्लाह सारिआं ते अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए हज़रात इस आया मुबारक दे अंदर अल्लाह ताला ने सहाबा दे कुछ औसाफ बयान फरमाए ने आइए मैं इंशाल्लाह अल्लाह दी रहमत और तौफीके खास नाल इस आया मुबारक दा तर्जमा तुस अहबाब दे सामने तफसीर रखण दी कोशिश करांगा दुआ करना अल्लाह ताला शरह सदर फरमाए किताब व सुन्नत के मुताबिक मैं हक चंद बयान करने की तौफीक अता फरमाए मेरा गला थोड़ा मुतासर है कोशिश करांगा क्योंकि डेढ़ क महीना वक्फा पिया है तो हुण इहनूं चलदिआं जरा खड़ी लग जाणी इंशाला तो जो करना अल्लाह का कुरान बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल समाप्त फरमाना हबीबे करिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नादल फरमाया फरमाया आऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना आमनु वहाजरु वजाहदु फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवम वनसरु तर्जुमा समाप्त फरमाना अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना ओ लोग जेडे ईमान लै करके आए इन्हां तो मुराद नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबा रहमत कायनात ने सलातो सलाम दे यार मेरे पैगंबर की जमात का जिक्र हो गए इधर मेरे वल देखिया डे होए को मत समझना हट 10-11 मुहर्रम का दिन चलता पिया है वाह इधर हुसैन नाल प्यार नहीं करते मैं एक गल समझाना चाहना
मेरी बात तवज्जो नाल समाप्त फरमाण इंशाल्लाह तकरीर समझनी आसान हो जाएगी। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर ते जलवा कर ने आपने अम्मा ऐशा दे हुजरे वाले इशारा किया फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत। नबी पाक फरमाते ने मेरे मिंबर तो लैके मेरे हुजरे तक मेरे हुजरे तो लैके मेरे मिंबर तक इतनी जगह अल्लाह ने इस जगह को जन्नत का टुकड़ा बना दिता। इधर वेखिया दे ये वो कोई जगह है ये वो कोई मदीना है इन्हों यसरब किया जाता सी यसरब का माना बीमारियां का घर। मेरे पैगंबर आए ने नबी पाक के कदम मुबारक लगे ने यसरब यसरब नहीं रहा मदीना मुनवरा बन गए। मेरे पैगंबर के कदम लगे ने वो जगह जन्नत का टुकड़ा बन गए। और जिथे मेरे पैगंबर के कदम लगे वो जन्नत का टुकड़ा बन गया। ते हुसैन मेरे पैगंबर दे कंधियां ते चढ़े ते जंदी जवाना दे सरदार बन गए। जिथे कदम लगे तवजो जिथे कदम लगे ओ जगह जन्नत दा टुकड़ा। हुसैन मेरे पैगंबर दे कंधियां ते चढ़े जंदी जवाना दे सरदार बन गए। ते सिद्दीक दी अजमत तो सदके जावा जिन्ना सरापा मुहम्मद ही अपने कंधियां ते उठा लिया। जन्नत दे टुकड़े नू मां बई ना बई दी वमी मरी रोजा तुम मेरे आजिल जन्ना उस जगह नू मन्ने सैयदना हसन नू सैयदना हुसैन नू रजी अल्लाह ताला अनहुमा जन्नती जवाना दा सरदार मन्ने। क्यों हजरते नबी पाक अली की सलातो व सलाम दे कदम उस जगह ते लगे और जन्नत दा टुकड़ा बन गई जगह। हजरते कसनो हुसैन सोने दे कंधियां ते चढ़े जन्नती जवाना दे सरदार बन गए। सिद्दीक दी सदाकत नूं क्यों नहीं मनदा सिद्दीक दी खिलाफत नूं क्यों नहीं मनदा अल्लाह तआला दोरा मियार क्यों है। जे अगर हुसैन हसनैन करीमैन नूं जन्नती जवाना दा सरदार मनने अम्मी ऐशा दे हुजरे नूं जन्नत दा टुकड़ा मनने फिर सिद्दीक अकबर नूं ही अल्लाह दी कसम अमीरुल मोमिनीन मनना पैणे। सिद्दीक माशाल्लाह अहलन सहलन मरहबा हजरत मौलाना हाजी मुहम्मद यूसुफ उसूरी साहब तशरीफ लाए ने ज़ियारत फरमाओ। अल्लाह ताला हाफ साहब मुझे ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आइए गौर करना हजरत आ गए ने ते मैं इंशाल्लाह पास समेटांगा बिल्कुल मुख्तसर करांगा बस एक आयत का तर्जमा सुनाना। तवज्जो है तुहाडी और तवज्जो है माशाल्लाह 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 सिद्दीकी साहब भी आ गए ने तो जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो सलाम दे सिन्ने पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया फरमाया वल्लज़ीना आमनु व गादरु व जाहदु फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आमनु व नसरु उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मग़फिरा लहुम मग़फिरा लहुम मग़फिरा तुम व रिज़्क़ुल करीम। अल्लाह जी मर्दी पुरे वाले करीम शहीद कलोनी वाले फैसलाबादी सवाल करते ईमान ते असी नहीं ले आंदा है ईमान ते वाबियां भी ले आंदा है ईमान ते बरेलियां भी ले आंदा है ईमान ते देवबंदियां भी ले आंदा है साडे ईमान दा ते सहाबा दा ईमान दा की फर्क है। आइए मैं दसा कायनात दे लोग साडा ईमान है दुध दे अंदर पानी मिलाण लग्या ईमान वेच देने आ मरचां दे अंदर पूरा रलाण लग्या ईमान वेच देने आ साडा ईमान है सूद दे पैसे लैण लग्या ईमान वेच देने आ साडा ईमान है रिश्वत दे पैसे लैण लग्या अपना ईमान वेच देने आ साडा ईमान है भरावां दा हक खाण लग्या अपना ईमान वेच देने आ साडा ईमान है भैणां दे हक ते कब्जा करन लग्या अपना ईमान वेच देने आ। लेकिन सदके जावा कुरबान जावा नबी पाक दे सहाबा ने माशाल्लाह करोन चा पूरा नारे आंदा नारे
ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਵਜੋ ਹੈ ਬਈ ਆਖੋ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਤੋਜੋ ਕਰਨਾ ਹਬੀਬ-ਏ-ਕਬਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਹਰਫ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਦਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਲੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਬਾਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਣਾ ਔਰ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 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 ਆਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਮਸਰੂਰੀ ਹਾਫਿਜ਼ਾਹੁੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸੂਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਹਾਫਿਜ਼ਾਹੁੱਲਾ ਖੁਦਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਖਤੀਬ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਖਤੀਬ ਹੋਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਤੀਬ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਤੀਬ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਕ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਹਯਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਵਕਾਹਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀ
परवाह की, ना बच्चियां की परवाह की, ना घर बार की परवाह की, ना वतन की परवाह की, ना तन की परवाह की, ना बदन की परवाह की। सिहाबा ओ अजीम हस्तियां ने जिन्ना सारा कुछ कुर्बान करके अगर कुछ बचाया है तो अपना ईमान बचाया है। साडा नारा अज सिहाबा की अजमत का क्यों है? सिहाबा ईमान बचाया, नबी पाक की नौकरी की, अज वहाबी सिहाबा की नौकरी कर रही है। और लोगों मैं एक पैगाम देना चाहना, मेरी मजलस के अंदर वो अहले सुन्नत बरेलवी बैठे, मेरी मजलस के अंदर वो अहले सुन्नत देवबंदी बैठे, मेरी मजलस के अंदर कोई अहले हदीस अहले सुन्नत बैठे, सुन लो अल्लाह की कसम। और जो नौकर जागदे होण, जो नौकर बेदार होण, फिर मालकां दी इज्जत महफूज होया करदी है। हुण जागना पैणा सिद्दीक दी सदाकत वास्ते, हुण बेदार होना पैणा उमर दी अदालत वास्ते, हुण बेदार होना पैणा उस्मान दे हया वास्ते, हुण बेदार होना पैणा अमीरे मुआविया दी सियासत वास्ते, हजरत अली दी जुर्रत वास्ते। और ए अमल मेरे असलाफ ने करके दिखाए, सीने मंबा नल जख्मी करवा लेने, छली करवा लेने, बेटियां यतीम करवा लिया ने, बच्चे यतीम करवा लेने, लेकिन सिहाबा दी इज्जत दी अजमत दा झंडा लहरा दिते। और अल्लाह दी कसम मैं ते तजदीद दे अहद करके आया, बैतुल्ला दे मताफ दे अंदर बैठ के अपने रब नाल वादा करके, अल्लाह जड़ियां सावां बाकी ने सिहाबा दी नौकरी वास्ते कबूल कर ले, अहले बैत दी इज्जत दे दिफा वास्ते कबूल कर ले। हुण जिंदा रहना ते सिहाबा दी इज्जत दा दिफा करना, और मरना है ते सिहाबा दी इज्जत ते अजमत दा दिफा करदे आ मरना इंशाअल्लाह। तैयार हो, तैयार हो, किसी का रंग वेख के, किसी का जुब्बा वेख के, किसी की दस्तार वेख के फिसलना। बड़े फितने ने बड़िया शक्लों के अंदर, कोई पेंट कोट पा के आएगा वरगलाण की कोशिश करेगा, कोई पगड़ी बन के आएगा वरगलाण की कोशिश करेगा, कोई किसे रूप के अंदर आएगा, कोई चालवी के रूप के अंदर आएगा, कोई जैमी के रूप के अंदर आएगा। जेड़ा भी रूप सिहाबा के खिलाफ इस्तेमाल होएगा इंशाल्लाह वो दफल हो जाएगा, सिहाबा की इज्जत की इज्जत का झंडा इंशाल्लाह लहरांदा रहेगा। अल्लाहु अकबर। ला बड़े बड़े फितने आए, दब गए, सिद्दीक दी सदाकत चमकदी सी चमकदी रहेगी, उमर दी अदालत चमकदी सी चमकदी रहेगी, उस्मान दी उस्मान दा हया अल्लाह दी कसम जिक्र हुंदा सी हुंदा रहेगा, अली दी जुर्रत दे तज़किरे हुंदे सन हुंदे रहणगे। अल्लाह क्या उन्हां नबी पागड़ां लाइया ने ते निभा के विखाइया ने, उन्हां ईमान ले आंदे ते ईमान दे पहरा दे के विखाए। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਬਹਾਦਰੂ ਵਜਾਹਦੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ नबी पाक दे यारां दा ईमान, मैं कुरान पढ़ा बड़ा वक्त दरकार है, लेकिन मेरा दिल कर दे मैं इच्छे तकरीर मुका दें, इंशाल्लाह फिर आवांगे अजमत सहाबा बयान करांगे। आखिर दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।